हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ABC इलेक्ट्रिकल में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे AC और DC में अंतर क्या होता है। तो वीडियो को बिना देर किए हो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं AC करंट में जो भी डिफरेंट है वो बताते हैं। सबसे पहले AC का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट होता है, और AC में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, और AC समय के साथ दिशा चेंज करता है। AC करंट को स्टोर नहीं कर सकते हैं। AC को हाई वोल्टेज में जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हम DC के बारे में बताते हैं। DC का फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट होता है, और DC में फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होता है। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं कि DC में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। इसके बाद DC समय के साथ दिशा चेंज नहीं करता है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, इसलिए DC करंट समय के साथ अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। इसके बाद DC को हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं हमारे मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी है उसमें DC बैटरी होता है, हम DC को स्टोर कर सकते हैं। और लास्ट में DC को हाई वोल्टेज में जनरेट नहीं कर सकते हैं, और DC का ट्रांसमिशन भी हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि DC ज़्यादा डिस्टेंस तक जाने पे लॉस होने लगता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।